प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फिजिक्स फॉर यू में स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो वहाँ पर मैंने कैपेसिटेंस आपको समझाया था, कैपेसिटर आपको बताया था, और उसके बाद एक टर्म आया था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो वहाँ वो यदि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो उसमें यहाँ पर बाय मिस्टेक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख गया था, तो उसको आप क्या समझे, उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दैट वाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और यहाँ भी इसका डेफिनेशन एक बार फिर से मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कोई डाइलेक्ट्रिक विदस्टैंड कर सके विदाउट ब्रेकडाउन, तो उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल देते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, सो द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो वैल्यू होता है एयर के लिए, प्रीवियस क्लास में उसको आप करेक्ट कर लेना, वहां पर डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मुझसे बाई मिस्टेक लिख गया था। सो दैट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर इज 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक अब मैं ले रहा हूं द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो इट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, एक सिस्टम है दो कंडक्टर्स का, और वो कंडक्टर सेपरेट होते हैं किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से, किसी इंसुलेटिंग मीडियम से। तो वो जो कंडक्टर्स हैं, ये कंडक्टर्स पैरेलल प्लेट्स हों, इस तरह से दो प्लेट्स रखी हुई हों कंडक्टर्स की पैरेलल हों, तो उसको हम बोल देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो इस तरह से ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, और दोनों एक जैसे कंडक्टर हैं। मींस एरिया इसका भी वही है जो इसका एरिया, मींस एरिया दोनों प्लेट्स का सेम है, तो एरिया ऑफ ईच प्लेट। तो ओके, अभी भी लिखूंगा मैं। तो यदि इस तरह से ये अरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये प्लेट्स हैं और पैरेलल रखी हुई है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो ये जो प्लेट्स हैं सर्कुलर भी हो सकती हैं, सर्कुलर प्लेट्स भी हो सकती हैं। ओके, वो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, या ये किसी स्क्वेयर या रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकती हैं, तो तब भी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही होगा। तो बच्चों, इसका अब हमें कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। सो एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस। सो इफ द चार्ज ऑन दिस प्लेट इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज एंड दीज टू प्लेट्स आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस डी। सो ईच प्लेट एरिया किसी का भी शेप कुछ भी हो सकता है, किसी भी शेप की ये हो सकती है। यदि सर्कुलर है तब भी उसका एरिया, रेक्टेंगुलर है तब भी एरिया, तो जो एरिया है प्लेट का दैट इज ए। ओके, एरिया इज ए एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इक्वल्स ए, सॉरी इट इज डी, सेपरेशन इज डी, देन देर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिस विल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आई एम टेकिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एज ई। तो यदि ये दोनों प्लेट्स इनफाइनाइटली लॉन्ग होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में हर एक प्लेस पर
एक जैसा होता और वो कितना होता, सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट, ओके, सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट, बट दीज प्लेट्स आर फाइनाइट, दीज टू प्लेट्स आर नॉट इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो ये फाइनाइट प्लेट्स हैं, तो फाइनाइट प्लेट्स हैं तो क्या होगा बच्चों यहां पर, कि यहां मिड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा और उसका वैल्यू ये रहेगा, बट एंड पॉइंट्स पर, यहां पर फील्ड कैसा आएगा, कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से एंटर करेगा, इस तरह से बाहर जाता हुआ, तो यहां पर उसको बोलते हैं, यहां फील्ड थोड़ा वीक हो जाएगा, जिसको बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड, फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड, ओके, सो दैट इज द फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड, फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। और क्या होता है कि यहां जो एंड पॉइंट्स होंगे इसके, यहां पर जो फील्ड है वो वीक होगा, ओके, फील्ड वीक होगा, बट उसको हम डी स्क्वेयर इज मच मच लेसर देन, जो डी का वैल्यू है वो उसका स्क्वेयर वो एरिया से बहुत छोटा है, तो फ्रिंजिंग इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ओके, फॉर दिस दिस इज आवर अजम्पशन कि डी स्क्वेयर मच मच स्मॉलर देन ए, देन फ्रिंजिंग इफेक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड, ओके, फ्रिंजिंग इफेक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड, ओके, तो हम ऐसा ही अपने डेरिवेशन में लेकर चलेंगे, डी स्क्वेयर इज मच मच लेसर देन ए, सो फॉर दिस वी कैन इग्नोर फ्रिंजिंग इफेक्ट, सो फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, सो दैट विल इक्वल सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ओके, और ये कब होगा, 4D² मच मच लेसर देन ए, ओके, सो सिग्मा इक्वल्स क्यू ओवर ए, सो क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, ओके, इक्वल्स क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, सो पोटेंशियल जो भी हम बोलते थे, एंड इन एक्चुअल इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल्स दैट विल ई इनटू डी, एंड व्हाट इज ई, दिस इज ई, सो वी इक्वल्स क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट और इनटू डी, सो क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, सो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस सी इक्वल्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कल बताया था सी इक्वल्स क्यू ओवर वी, ओके, कैपेसिटेंस सी इक्वल्स क्यू ओवर वी, सो आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी वी हियर फ्रॉम दिस, सो क्यू ओवर एंड द वैल्यू ऑफ वी क्यू इनटू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, ओके, सो क्यू कैंसिल्स क्यू एंड सी इक्वल्स ए एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाय डी, सो दिस इज द कैपेसिटेंस, ओके, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर, और ये कब है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब है, ये यहां पर जब एयर है, तो यदि यहां पर इसके पूरे ही वॉल्यूम में जो वॉल्यूम है वहां पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो तब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, व्हेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज फिल्ड इन फुली वॉल्यूम, ओके, देन कैपेसिटेंस सी इक्वल्स क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, रिमेंबर इट, सी इक्वल्स ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइडेड बाई डी, तो यहां क्या आ जाएगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज के टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, के टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, ओके, सो नेक्स्ट डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस वो फैक्टर्स अब हम देखेंगे जिन पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, सो दिस इज फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट
के डिवाइडेड बाई डी। और बच्चों इसको अभी नेक्स्ट सेक्शन में मैं इसको प्रूव भी करने वाला हूं, अभी नेक्स्ट क्लास में मैं इसको प्रूव करूंगा, एप्सिलॉन नॉट के ओवर डी। सो सी इक्वल्स ए एप्सिलॉन नॉट के ओवर डी। सो फर्स्ट फैक्टर सी डिपेंड्स ऑन ए, सी डिपेंड्स ऑन ए और कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ओके नेक्स्ट सेकेंड मीडियम, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, सो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, तो के डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ओके सो इसके इनसाइड यदि एयर है तो कम होगा कैपेसिटेंस, और यदि कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम फिल कर दें तो वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके और थर्ड इज सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, सो लेसर द गैप, लेसर द सेपरेशन एंड ग्रेटर द कैपेसिटेंस। तो ये तीन फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ओके नेक्स्ट टॉपिक इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो अब यही देखेंगे कि कैसे डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट होता है। सो इट इज इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। ओके तो फॉर दिस आई एम टेकिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब विच इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो इट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, दिस इज माइनस क्यू चार्ज। ओके एंड द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स इज डी, सो दिस इज द सेपरेशन। इसका सेपरेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स का, और ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, दिस इज डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ओके हैविंग डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, सो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड टी इज द थिकनेस, सो टी इज द थिकनेस, सो दिस इज द थिकनेस टी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ओके सो दिस इज एयर, दिस इज डाइलेक्ट्रिक, दिस इज एयर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इज ई नॉट एंड कैपेसिटेंस, इफ दिस इज नॉट प्रेजेंट देन कैपेसिटेंस विद एयर When air is filled between the capacitor plates और ये यहाँ अभी present नहीं है, then it is C naught equals A epsilon naught over D. Okay, so this is first equation. So when dielectric slab is inserted, the electric field inside the dielectric will not E naught. And suppose this electric field is E, then this will E naught by K, E equals E naught by K. Or what is E naught? Electric field in air. Okay, if E naught is the electric field in air, then electric field inside the dielectric. Electric field inside the dielectric क्या होगा? Electric field inside the dielectric E equals E naught divided by K. Okay, E equals E naught divided by K. Then potential V, कौन सा potential? जो parallel plate capacitor है इसकी दोनों प्लेट से अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसका वैल्यू। सो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल, बट पोटेंशियल इन एयर एंड पोटेंशियल इन डाइलेक्ट्रिक। सो व्हाट इज पोटेंशियल इन एयर? सो आई एम राइटिंग वी एयर प्लस वी इन डाइलेक्ट्रिक, वी इन डाइलेक्ट्रिक। ओके सो वी इक्वल्स, व्हाट इज वी इन एयर? वी इक्वल्स ई इन टू डी। So, air electric field in air is E naught, और distance कितना है air का? That was D, और T minus होगा, so D minus T, plus V in dielectric into D, and what is E? E, and what is D? It is T, so T, dielectric का thickness, so it is E naught into D minus T, and plus E naught by K, this is E naught by K, this is E equals E naught by K into T. So V equals, I am
taking E naught as common. So E naught D minus T plus T divided by K. So V equals, what is E? E naught is electric field in air. So that will sigma upon epsilon naught. D minus T plus T divided by K. Or V equals, I can write Q over A. Sigma equals Q over A. And epsilon naught is here. D minus T plus T divided by K. So capacitance. So capacitance C equals Q divided by V. So Q or divided by V, V is this much. So V is Q over A epsilon naught or D minus T plus T divided by K. So Q cancels Q. So C equals ये यहाँ होगा A epsilon naught divided by D minus T plus T divided by K. So this is the capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric slab of thickness T is placed between the plates of the capacitor. So ये formula है जब एक T thickness का dielectric slab इसके inside insert किया जाता है. So now I am taking some special cases. So first special case is if T equals D. तो ये क्या होगा जब T equals D होगा. So T equals D means fully volume में, पूरे वॉल्यूम में कैपेसिटर के इनसाइड जो भी वॉल्यूम है पूरे वॉल्यूम में ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल है. तो तब क्या होगा, तो यहां से मैं देखता हूं देन C equals A epsilon naught divided by D minus D since T is D. So D minus D cancel out and this becomes D over K. So D over K. And अब K क्या कहां चला जाएगा, इन न्यूमरेटर. सो A epsilon naught K over D. और याद आया होगा अभी जो पहला एक्सप्रेशन मैंने किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और उसमें लास्ट में मैंने बताया था यदि फुली वॉल्यूम में ये के कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके इनसाइड फिल हो रहे तो ये फॉर्मूला होगा. तो जब मैंने बताया था कि नेक्स्ट सेक्शन में हम इसको प्रूव करेंगे. ओके, सो दिस इज सी इक्वल्स ए एप्सिलॉन नॉट के ओवर डी. एंड सेकेंड केस है यदि बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, मान लीजिए एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये है, ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये है, एक ये है, एक ये है, इस तरह से इसका कांस्टेंट K1, इसका कांस्टेंट K2, K3, K4, बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स फिल है इसके इनसाइड, और इसका थिकनेस T1, इसका T2, इसका T3, इसका T4. ओके, पूरे वॉल्यूम में बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के स्लैब रखे हुए हैं. तो तब फॉर्मूला क्या होगा, C इक्वल्स A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन एंड प्लस दिस प्लस एंड T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 एंड प्लस सो ऑन. सो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन लॉट नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब आर प्लेस्ड इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स. ओके, तो अब मैं इन दो फॉर्मूले से देखता हूं ये तो कैपेसिटेंस कब है, ये कैपेसिटेंस कब है, जब फुली वॉल्यूम में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल है, और ये फॉर्मूला कब है, जब एयर है. तो इस फॉर्मूले को मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन सेकंड. ओके, तो इनसे आइए देखते हैं. तो थोड़ा सा मुझे ब्लैक बोर्ड रफ करना होगा. सो दिस इज द व्हेन एयर इज फिल्ड और व्हेन मीडियम इज फिल्ड देन सी बिकम्स ए epsilon naught k divided by d. And I am taking this as equation second and I can write it cm c4 capacitance or m4 medium dielectric medium fill hai. So if I divide second divided by first then I will get cm divided by c naught equals cm divided by c naught. So this is A epsilon naught K by D and divided by A epsilon naught by D. So A epsilon naught by D cancels out. So Cm over C naught equals K. So this is the another definition of K. Dielectric constant का एक definition मैंने आपको बच्चों बताया था chapter 1 में, and this is
अनदर डेफिनेशन. तो क्या होगा, के इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टू कैपेसिटेंसेस. ओके, और किस किस का, कैपेसिटेंस इन मीडियम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस इन एयर, कैपेसिटेंस इन एयर. सो दिस इज अनदर डेफिनेशन फॉर डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. ओके,